अनबॉक्स करने वाले हैं ओप्पो रेनो 6 5G। सील को ब्रेक करते ही सामने हमें ये मिल जाता है, टू कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ में 6 लिखा हुआ ओप्पो रेनो 6 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे पीछे आपको फ़ोन का वेरिएंट वगैरह कलर्स यहाँ पे मिलने वाला है। एंड्रॉइड की ब्रांडिंग बैजिंग मिल जाती है, मेड इंडिया का बैजिंग मिल जाती है। ऊपर आपको जो प्राइस है वो यहाँ पे मिलने वाला है, खैर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ बाकी डिटेल में मिल जाती है। सील को ब्रेक करते ही बॉक्स सेम आपको प्रो की तरह अनबॉक्स होता है। बॉक्स को ओपन करते ही ब्लैक कलर का आपको यहाँ ब्लैक कलर का ही सेक्शन मिलता है। इस सेक्शन में सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, पेपर वर्क वगैरह मिल जाते हैं, बेसिक सिलिकॉन कवर मिल जाता है फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए नीचे रखा हुआ मेन, जो कि एक प्रीमियम और सॉलिड लुक के साथ होने वाला है। फ्लावर प्रोटेक्शन रिमूव करते ही करके इस फ़ोन को बूट करके रखेंगे साइड में, बट लुक है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। फिलहाल बूट कर लेते हैं फ़ोन को जल्दी से, और फिलहाल इससे पहले हम यहाँ पे केस इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो केस इंस्टॉल करने के बाद रखते हैं इसको साइड में और बात करते हैं नीचे। नीचे आपको एक फास्ट अडेप्टर मिल जाए, 65 वॉट का फास्ट अडेप्टर 2.0 वॉट चार्जर के साथ में। आपको टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है और भी फास्टली फ़ोन को चार्ज करने के लिए। टाइप सी कनेक्टर के साथ आपको ईयरफोन्स मिलने वाले हैं। लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो फर्स्ट लुक एंड डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम और एक हार्डली बहुत ही अच्छी, यहाँ पे जो एक वन हैंड फील है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आने वाली है। अगर आप यार किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो यार बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मिलने वाले, बिकॉज में आईफोन 12 की तरह यहाँ पे जो बेजल है वो आपको स्ट्रेट दिए जाते हैं। नीचे से साइड में से जो इसके फ्रेम है वो यहाँ पे, और जो कलर्स है वो यहाँ पर आपको 2-in-1 कलर मिलता है, 2 कलर मिलता है, ब्लैक और ये आपको नैरो कलर, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे यार बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। यहाँ पे पीछे भी आपको जो ग्लास मिलता है वो आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। सो ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको सिंपली बहुत ही स्ट्रेट बेजल साइड में जो फ्रेम है मेटल मिलता है। थिकनेस की बात करो, थिकनेस आपको 7.59 mm के मिल जाते हैं। वेट आपको 182 ग्राम का मिल जाता है। सो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। यहीं पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करो, डिस्प्ले आपको 6.43 इंचेस की मिल जाती है, फुल HD प्लस PPI 400/10 के साथ में। यहीं पे डिस्प्ले का साइज वो बता ही दिया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है यहीं पे। प्लस में आपको जो रेफ्रेश रेट है वो आपको एक 90 रेफ्रेश रेट तक मिल जाए, 90 रेफ्रेश रेट तक स्क्रीन की मिलने वाली है। सो जो यहाँ पे कलर्स है वो बहुत ही नेचुरल है, एक रियलिटी है और बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाले हैं। यहीं पर आपको 2400x1080p में यहाँ पे पिक्सल मिलने वाले हैं। 917.7% आपको बॉडी रेशियो मिलता है आपको, तो वो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेंसर मिलता है ओप्पो की तरफ से आने वाला फास्टली और सिक्योरली, जो फ़ोन को काफ़ी अच्छे से सिक्योर रखने वाला है और फास्टली अनलॉक करने वाला है। फेस अनलॉक मिल जाता है, वो भी आपको बहुत ही फास्टली होने वाला है। यहीं पर आकर अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी 900 मिलता है। सो बेसिकली गेमिंग प्रोसेसर तो नहीं है, बट फिर भी यार बहुत ही अच्छा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस होने वाला है। यहाँ पे जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे नैनोमीटर है वो 6 नैनोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है 2.4 GHz के साथ में। सो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होने वाली है। 180 रेफ्रेश रेट आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। यहीं पे आप वर्चुअल रैम मिलता है जिसको आप अकॉर्डिंग अपने यूज़ के यहाँ पे आप एक्सटेंड एंड कम कर सकते हो, जिसको आप 2GB रैम तक, 3GB रैम तक, 5GB रैम तक एक्सटेंड कर सकते हो जब भी आपका फ़ोन लैग होना स्टार्ट हो। तो ये यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज़ होने वाली है, जिससे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आप डे टू वाइज डे अपने यूजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो वो यहाँ पे बहुत ही सिंपली और अच्छी चीज़ यहाँ पे की है। आप 8GB रैम को यहाँ पे 5GB रैम तक प्लस और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। बटन की बात करो तो आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज़, ऊपर आपको नॉइज़ कैंसिल माइक, लेफ्ट साइड में आपको पावर लॉक कीज़, बॉटम में आपको 2-in-1 यानी कि 2 डुअल स्लॉट की सिम ट्री मिलती है 5G, जो कि आप 2 नैनो सिम एक टाइम पर यूज़ कर सकते हो, वो भी 5G की सपोर्टेबल के साथ में। टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है। यहीं पर अगर मैं आगे इस फ़ोन की स्पीड बढ़ाने के लिए और बात करूं OS की, तो OS आपको यहां पे बेसिकली मिल जाता है कलर OS 11.3, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। जी हाँ, यानी कि आप सभी चीज़ें गूगल के इंस्टॉल ऐप वगैरह मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी अकॉर्डिंग यूजिंग के अकॉर्डिंग इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। जो भी आपको पसंद हो या ना पसंद हो उनको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो एंड और भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर यार बहुत ही अच्छी स्पीड होने, यहाँ पर जो आपको एक फीचर दिया जाता है जिससे आप यहाँ पर ऑन करके जो स्क्रीन है उसको आप लॉक कर सकते हो। लॉक करने के बाद भी जो आपकी यूट्यूब की जो वीडियो है, जो सॉन्ग है, वो आपका बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा, यानी कि वो रन करती रहेगी। सो सिंपली जो बैटरी है, यहाँ बैटरी बैकअप पे क्या अगर बात करते हो, वो यहाँ पे प्लस करने के लिए ये पॉइंट दिया गया है। कुछ यहाँ पे गेमिंग टर्बो फीचर वगैरह दिए गए हैं, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह, यहीं पे आपको स्क्रीनशॉट वगैरह मिल जाते हैं जिनसे आप यहीं से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकती हो गूगल के ऐप के थ्रू। यहीं पे आपको 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है, यानी कि बेसिकली आपकी
जो बैटरी है वो यहाँ पे एक अच्छी और बिग बैटरी यहाँ पे मिलने वाली है, 4500 mAh की बैटरी मिलती है 65 वोट। तो आपको लाइव डे टेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही फास्ट चार्ज होने वाली है बैटरी। जी हाँ, 4500 mAh की बैटरी मिलती है 65 वोट से। तो सिंपली यह बहुत फास्ट चार्ज हो चुका है, 80% चार्ज हो चुका है यहाँ पे, 90% आधे घंटे में चार्ज हो चुका है फिलहाल यहाँ पे। सिंपली 100% आपका 36 मिनट में यहाँ पे फुल चार्ज होगा। कैमरे की बात करें तो कैमरे का डिज़ाइन और लुक बहुत ही प्रीमियम है फिलहाल, जो मेन है वो यहीं पे। अगर मैं कैमरे के आगे बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो यहाँ पे मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, प्लस में 8 मेगापिक्सल का उसका 2 मेगापिक्सल का फ्रंट आपका 32 मेगापिक्सल मिलता है। तो सारे कैमरे आपका ब्रिलियंट क्वालिटी के होने वाले हैं। यहीं पर आप वीडियो रिकॉर्ड जो कर सकते हो वो कर सकते हो, 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके जो क्वालिटी है और जो इसकी फोकस है वो बहुत अच्छी होने वाली है फिलहाल। यहाँ लुक एंड डिज़ाइन ब्रिलियंट है सभी चीज़ फोन में। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सैनिटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।